आवाज आ रही तो हेलो एंड वेलकम टू द लॉन्च पैड एजुकेशन। आज असि टॉपिक करेंगे कोडिंग एंड डीकोडिंग दा। ठीक है जी, कोडिंग एंड डीकोडिंग दे उत्ते करेंगे क्वेश्चंस जिहड़े तुहाडे ऑपरेटिव इंस्पेक्टर दे विच या तहसीलदार दे एग्जाम दे विच क्वांट एंड रीजनिंग दा आपां बहुत अच्छा टॉपिक करेंगे। ठीक है, कोडिंग एंड डीकोडिंग देखो जिहड़े भी एग्जाम च, मतलब मैनूं जितों तक लगदा है हर एक एग्जाम दे विच कोडिंग एंड डीकोडिंग दा कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। कदे इदां हुंदा कि वी कोडिंग एंड डीकोडिंग थोड़ी सौखी लैवल दी आ जांदी है ते कदे हल्की जी औखी आ जांदी है, ते जदों औखी आ जाए ते उदों आपां फस जांदे हैं। ठीक है, तां मैं अज दे क्वेश्चंस कुछ लै के आया, 25 तों 30 क्वेश्चन हैगे आ, आपां उहनां दी प्रैक्टिस करांगे कि भी किद्दां कोडिंग एंड डीकोडिंग दे सानूं सॉल्व करांगे। ठीक है जी, तो एक वारी दो चा कुछ जुड़तां कुछ प्रश्न। ठीक है, उस तो पहले तुसी कुछ इन्फॉर्मेशन लै लो कि भी साडे आईएएस पीसीएस वगैरह दे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, जिहड़ा आईएएस दा बैच हैगा उहदी जो स्टार्टिंग रेंज हैगी साडे 47,200 हैगी है, और अगर मैं पीसीएस दी गल करां, पीसीएस दा जिहड़ा बैच हैगा उहदी जो फीस हैगी है उह स्टार्ट हुंदी हैगी साडे 29,500 तों। ठीक है जी, तां अगर तुसी इहनां बैचेस दे बारे कोई भी इन्फॉर्मेशन लैणा चाहुंदे हो तां तुसी इह दो नंबर दे उत्ते कॉन्टैक्ट करके कुछ भी इन्फॉर्मेशन लै सकदे हो। ठीक है, तो चलिए आपां स्टार्ट करते हैं कोडिंग एंड डी कोडिंग से क्वेश्चन। ठीक है जी, कोडिंग एंड डी कोडिंग। ठीक है, देखो इधर भी सवाल जो है ना अब मिक्स टाइप जितने भी कोडिंग एंड डी कोडिंग से एक्सरसाइज होती है, जिन्हें भी पॉसिबिलिटी होती है सवालों के पूछने की, मैं सारे कैटेगरी के समझ में लेके आया, चाहे वो प्लस वन मतलब सिंपल कोडिंग एंड डी कोडिंग हो, चाहे इदा के सवाल हो, चाहे थोड़े पजल पजलिंग वाले हो, आप इन्हें सब सॉल्व करा तो लास्ट तक वीडियोज़ में जरूर देखना। ये हले तक की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई जी? हाँ जी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई इस दी। ठीक है, तो एक बार मैं आप बता दो, वीडियो सही चल रही है? वीडियो कोई लैग तो नहीं आ रहा? वीडियो कोई लैग तो नहीं आ रहा जी? वॉइस मेरी क्लियर है क्या? फिर आप सैशन स्टार्ट कर दें अपने। चलो ठीक है, पहला ब्रेक हो रही थी। ठीक है जी, आज थोड़ा इंटरनेट का इशू लग रहा है। तो अगर तुम लोग क्वांट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जिसे मैथ क्वांट मतलब मैथामेटिकल वर्क टाइम एवरेज इदा का कोई क्वेश्चन है, तो साड़ी हिंदी वाले चैनल के उत्ते एक साड़ी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मेरी ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो तुम जरूर देख सकते हो। उस मैं काफ़ी सवाल करवाए हैं, काफ़ी तरीके की तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन की, डिफरेंट डिफरेंट वेज सूँ पता चल जाएंगे उन्होंने सॉल्व करने के लिए, तो तुम वो वीडियो भी जरूर देख सकते हो। ठीक है, अज मैं लगता लैग थोड़ा ज़्यादा हो रहा है वीडियो के। चलिए स्टार्ट कर दे अपने क्वेश्चन को। देखो पहला क्वेश्चन की है, इफ कुक इज कॉल्ड बटलर, बटलर इज कॉल्ड मैनेजर, मैनेजर इज कॉल्ड टीचर, एंड टीचर इज कॉल्ड क्लर्क, एंड क्लर्क इज कॉल्ड प्रिंसिपल, हु विल टीच इन अ क्लास। देखो इदा के सवाल जो आते हैं ना कोडिंग एंड डी कोडिंग के, उनके सौखे बच्चे ऐसे फालतू पढ़ रहे हैं, मतलब जिदा आप सारी लाइन पढ़ते हैं। देखो लास्ट लाइन इन पढ़ने के लिए ना क्या करेगा, लास्ट लाइन पढ़ेगा सब तो पहला था, जिदा हु विल टीच इन अ क्लास, हुण तुसीं खुद दसो कौन टीच करेगा क्लास के विच। पेन सिलेक्ट कर लिए। हाँ जी, हु विल टीच इन अ क्लास, टीच कौन करता है क्लास, टीचर ही करेगा। और देखो ये चीज क्या है, मैनेजर इज कॉल्ड टीचर एंड टीचर इज कॉल्ड क्लर्क, मेरी गल समझो, क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜਾਊਗਾ, ਟੀਚਰ ਪੜਾਊਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਲਰਕ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ, ਕਲਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਿਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਿਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀ ਕਲਰਕ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਫ ਇਨ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਿਗਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, अगर तुम पढ़ना भी चाहते हो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होती। वट विल बी एन इलिटरेट मैन पुट टू मार्क हिज सिग्नेचर, लास्ट लाइन के विच की किया गया, इलिटरेट मैन पुट की करेगा, टू पुट हिज सिग्नेचर, मतलब अगर इलिटरेट मैन है वो कितना अपने साइन कर सकता है। हूँ क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो, क्या गया, इफ इन लैंग्वेज फिंगर इज कॉल्ड टू,
ठीक है, टो इज कॉल्ड फुट, फुट इज कॉल्ड थंब, थंब इज कॉल्ड एंकल, एंकल इज कॉल्ड पाम, पाम इज कॉल्ड नी, देन लैंग्वेज एंड इलिटरेट मैन पुट टू मार्क हिज सिग्नेचर। हुन यार एक बंदा इलिटरेट है गया, वो साइन का काम नहीं करता, इलिटरेट एंड की करूंगा थंब लगाऊंगा। वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस चलिए अब ठीक है। एक मिनट तुसी इहदा आंसर दसो, मैं तुहानू बता रहा हां इलिटरेट मैन अपने साइन किदा करूगा। ठीक है जी, तो इलिटरेट मैन किदा साइन कर सकता है, वो अपने फिंगर्स दे नाल साइन तां करूगा नहीं, थंब की लगाना पऊगा, थंब लगाना पऊगा, और थंब नू की कह रहे हैं, फुट इज कॉल्ड थंब एंड थंब इज कॉल्ड एंकल। ठीक है, थंब इज कॉल्ड एंकल, तो आंसर क्या आएगा थोड़ा एंकल, तो यानी कि ए पार्ट आंसर आ जाएगा, ए पार्ट आंसर आ जाएगा एंकल वाला। ठीक है, ए एंकल बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डस्ट इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड फायर, इन चीज पर नहीं है, लास्ट लाइन पढ़ो, वेयर डू फिश लिव, मछली किथे रहती है, तो मछली पानी च रहती है। हुन पढ़ते हैं क्वेश्चन की, अगर डस्ट इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड फायर, फायर इज कॉल्ड वाटर एंड वाटर इज कॉल्ड कलर। ठीक है, वाटर इज कॉल्ड कलर, मछली कितने रहती है, मछली रहती है पानी, तो आंसर क्या आ गया, और वाटर को कहा गया कलर, दैट मीन्स आंसर क्या आ गया डी पार्ट। सब तो सोके सवाल हो गया, सब तो सवाल सोके, क्योंकि यार जस्ट आपको पढ़ना है, देखना होगा कि भी केड़ा आंसर किन्नू की चीज कहा जा रहा है। स्टिल ब्रेकिंग, दोबारा लाइव हो जाओ, प्लीज ब्रेक हो रही है वॉइस। ओके एक सेकेंड जी, मैं दोबारा देख दे, एक सेकेंड, वॉइस ब्रेक, वॉइस ब्रेक, अभी अभी ठीक है, एक बार अभी बता दो क्या अभी ठीक है, हूँ ठीक है, एक मिनट बाद आया हूँ, ठीक है, एक्सीलेंट कलेक्शन, ठीक है, मैं फिर बेल करता, ठीक है, हूँ आवाज़ क्लियर है जी, हूँ आवाज़ क्लियर है, और बफरिंग हो रही है, नहीं ठीक है, बफरिंग हो नहीं हो रही, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया। चलो आ वाले सब तो तुम समझ लग गया ना कि किदा करने हैं ये सॉल्व। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट सम कर दिया, नेक्स्ट सम कर दिया। इफ इन अ सर्टेन कोड ओ इज रिटन एज ई, ए इज सी, एम एज आई, एस एज ओ, एन एज पी, ई एज एम, आई एज एस, देन हाउ विल कंपनीज बी रिटन एन दैट कोड। तो ऐसा के सम भी देखो, आप तुसी लोग भी ट्राई करो अपनी कॉपी से, लिखन लिखी गया आया, इफ इन अ सर्टेन कोड ओ इज रिटन एज ई, ओ नु कहा गया ई, तो ओ दे सामने मैं लिखता पाया ई, ए एज सी, एम एज आई, S as O, N as P, E as M, I as A, P as N, and C as N. तो उन्हें पूछा कंपनी का कोड क्यों होगा? Then how will companies be written in that code? तो कंपनी लिए क्या करोगे? कंपनी नो लिख लो इधर, companies. कंपनीज लिखा गया इधर। हुण देखिए कोडिंग किस तरीके नाल हुई है, उपरली लाइन च ना सी दे लिए कोड पढ़ो की है, सी दे लिए कोड हो रहे हैं एन, ठीक है, तो इत्थे आ जाएगा एन आ जाएगा, ओ दे लिए कोड हो रहा तुहाडे को ई, तां ओ दे लिए आ गया ई, इदां ही तुसी सारे कोड पढ़ो और फिर जवाब देना आंसर की आएगा। हुण ठीक है ना सर? ठीक है जी, इहदे लिए हुण बताओ आंसर की आएगा, एम दे लिए कोड क्या हो रहा है, एम दे लिए कोड हो रहा है आई, आई आ गया, पी दे लिए कोड क्या हो रहा है, पी दे लिए हो रहा है इधर तुहाडे को एन, तो एन आ गया, ए दे लिए हो रहा है सी, एन दे लिए हो रहा है, एन दे लिए हो रहा है पी, आई दे लिए हो रहा है ए, ई दे लिए कोडिंग हो रही है एम,
और एस दे लिए कोडिंग हो रही है ओ, तो थोड़े को आ गया एस तरीके का आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बन जाएगा थोड़े को केड़ा आ जाएगा जी, एक मिनट, सी दे लिए कोड क्या हो रहा है, सी दे लिए एज एन अगर, तो नन ऑफ दीज आएगा, एक मिनट सी दे लिए, अच्छा एक मिनट इतने ना सी दे लिए कोडिंग एस कर दो, सी दे लिए कोड एस कर दो, ठीक है सी दे लिए कोड एस कर दो। हूं बताओ हूं आंसर क्या आएगा, पहले नन सीखा, पहले नन सीखा, एक्चुअली दो कोडिंग आ गई ना, पी एज एन वी आ गया और सी एज एन वी आ गया, इन्हों के क्वेश्चन से विच ना नहीं होएगा कदे भी, दो कोडिंग नहीं आ सकती कदे भी, ठीक है जी। पहला आंसर नन आएगा, पहला आंसर नन आएगा, ठीक है, अगर जी आप उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग करिए, और अगर जी कोडिंग दे विच सी एज एस कर दिए, फिर की आएगा आंसर एस ई आई एन सी, एस ई आई एन सी पी ए एम ओ, तो ये रहा आंसर बी पार्ट, ठीक है, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग नन ही है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मैसेज गेट अवे फायर बैकवर्ड मूव इज कोडेड एज, गेट अवे फायर इज स्लो इज कोडेड एज दिस एंड दिस, एदा करिए बताइए, एदा आंसर बताइए क्या आएगा, एदा आंसर बताइए क्या आएगा, इन अ मैसेज गेट अवे फ्री बैकवर्ड मूव स्लो इज कोडेड एज बेन दिस 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 दिस, इस तरीके ना लगा, इन्हों लिख लो गेट अवे, जिदा गेट अवे की गल करिए, गेट अवे गेट अवे फायर बैकवर्ड गेट, अच्छा गेट अवे केड़ा कोड मिल रहा है, गेट अवे कोड मिल रहा है बी ई एन, बी ई एन, बी ई एन सी डी सी आई, सी डी सी आई, इस तरीके का, ठीक है इस तरीके का कोड मिल गया। उस तो बाद फायर बैकवर्ड, फायर बैकवर्ड ओदे लिए कोड की मिल रहा है सी एच ओ ई क्यू एच ओ ई क्यू एच ओ ई पी सी टी एल, पी सी टी एल डी सी, डी सी ओ एक्स यू, ओ एक्स यू एंड मूव स्लो, मूव स्लो इज कोडेड एज जेड एम W E V F M D, V F M D, तो इतना के क्वेश्चन को कितना सॉल्व करोगे, देखो नंबरिंग की गल करिए, एदे विच भी तीन, एदे विच भी तीन, एदे विच भी चार अल्फाबेट्स है, एदे विच भी चार अल्फाबेट्स है, दैट मीनस इन्हों के आमने सामने वाला कोड ही उठाना है, ठीक है जी, इन्हों के आमने सामने वाला कोड ही उठाना है, जिदा फायर के लिए क्या आ गया क्यू एच ओ ई, बैकवर्ड के लिए आ वाला कोड आ गया, पूछा कि कोड ग्रेट का, ग्रेट का पूछा है, तुम जस्ट ग्रेट वाले अल्फाबैट्स उठाओ, उन्होंने सामने देखो केड़ा केड़ा अल्फाबैट लिखा है, जिदा जी कितने आ रहा है, जी का आ रहा है इतने, तो जी के लिए कोड क्या आया बी, तो ग्रेट का कितना आ जाएगा जी के लिए, अगर जो मैं ग्रेट नूं लिखा, ग्रेट के लिए एक तो आ गया बी, आर, आर कितने है, आर देखो कितने प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट हो रहा है इस जगह पर, आर के सामने कि वर्ड है ओ, तो इतने आ गया ओ ई, हूँ ई ई लभ लो कितने है, इतने भी ई है और ए भी ई है, और दोनों का कोड सेम आ रहा है, दैट मीनस ई के लिए कोड क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, ए की गल करिए ए कितने मिल रहा है, ए एक तो इतने मिल रहा है और ए के लिए कोड आ रहा है सी ओ का, और कितने आ रहा है नहीं, तो ए के लिए कोड क्या आ गया, ए के लिए कोड आ गया ओ, और टी, टी लभ लो कितने है, टी है कितने, हाँ टी है इस जगह पर, तो टी के सामने क्या आ गया एन, तो आंसर क्या आ जाएगा बी ओ ई, ए दे लिए कोड क्या आ गया, आंसर क्या आएगा जी बी ओ ए, एक मिनट इतने सी ओ एन, बी ओ ई ओ एन आना है, क्या हुआ यार इतने भी कुछ गड़बड़ है, गया सी आना चाहिए इतने कोड, ए लिए कोड सी है, हाँ जी ए लिए कोड सी है, हाँ ओके ओके ठीक है, ए दे लिए कोड सी है, हाँ जी ए दे लिए कोड सी है, तो बी ओ ई सी एन आएगा जी, बी ओ ई सी एन, बी पार्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है बी ओ ई सी एन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करिए, सेम ऐसे तरीके नाल पढ़ो, एनू कि आना है, इफ सेंट्रल इज कोडेड एज,
सेंट्रल इज कोडेड एज ए बी सी डी ई एफ जी, ऐदा आ गया। उस तो बाद प्लैनेटरियम एज दिस, प्लैनेट इज कोडेड एज एच जी एच जी एफ सी बी डी बी डी एफ ई आई जे के ऐदा आ गया। ठीक है, ए सामने सामने कोडिंग लिखी हुई है सब दी, ए सामने सामने कोडिंग लिखी हुई है सब दी। हुन तुसी पढ़ो कि पूछे ऐप कोड एल ए एन टी ई आर एन का कोड क्या आएगा, एल ए एन टी ई आर एन एदी कोडिंग क्या आएगी, एल ए एन टी ई आर एन दी। तो तुसी अल्फाबेट देख लो ना सामने सामने केड़े लिखे हुए है, एल के सामने केड़ा आ जाएगा, जी आ गया, बिल्कुल इधर देखो एल के सामने जी आ गया। उस तो बाद ए, ए दे लिए कोड क्या आ गया, ए दे लिए कोड है एफ वाला, ठीक है, ए दे लिए कोड है एफ वाला, तो एफ आ गया। एन दे लिए कोड क्या आ गया, एन दे लिए कोड है वाला सी, तो एन दे लिए आ गया सी। टी दे लिए कोड क्या आ गया, डी, टी दे लिए कोड इधर उठा लेता डी। नेक्स्ट ई, ई दे लिए कोड क्या आ गया, बी। आर दे लिए कोड क्या आ गया, ई। एन दे लिए, एन दे लिए कोड क्या आ गया फिर, सी। तो यह आएगा, तो क्या बन रहा है आंसर, जी एफ सी डी बी ई सी जी, हाँ जी डी पार्ट, तो डी पार्ट आंसर आ जाएगा। कोडिंग की प्रैक्टिस जी है ना वो ऐसी तरीके नाल होएगी कि भी कुछ अल्फाबेट्स मैं सारे इसी करके ना मिक्स कैटेगरी से लेके आया। स्टार्टिंग चपा क्वेश्चन कितने हैं सिंपल, जिदा इफ दिस इज कॉल्ड दिस वाले, हूँ आ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, नेक्स्ट होर भी कैटेगरी के क्वेश्चन आ गए। चलिए आ वाला सोचिए जरा, इफ जी ओ इज इक्वल टू 32 शी इज इक्वल टू 49 देन सम विल बी इक्वल टू, ये वाला सोचिए क्या आएगा आंसर। इफ जी ओ जड़े ए वाले क्वेश्चन होंगे ना मैथामेटिकल होंगे गए, इन्हों के सब तो पहले ना सोचा करो कि भाई थोड़े को नंबरिंग कितना होंगी है, जिदा ए के लिए आप कहने ना ए के लिए नंबर होंगे वन, बी के लिए कोड होंगे सैकेंड, सी के लिए कोड होंगे थ्री, अद्धा ही जी ओ के लिए कुछ रिलेशन सोचा करो कि भी जी के नंबर से स्टैंड करता है, ओ कि पोजिशन से स्टैंड करता है। चाहे तुम उन्होंने पहले तो स्टार्ट करो चाहे तुम लास्ट तो सोचना आ गया बस, मतलब जिदा अगर जो मैं ए की काउंटिंग स्टार्ट करा, ए की काउंटिंग होंगी है स्टार्टिंग तो वन, ए दी स्टार्टिंग जिदा होंदी है, ए दी स्टार्टिंग होंदी है 1, और Z दी नीचे दी अगर स्टार्टिंग करिए, Z दी नीचे दी काउंटिंग अगर स्टार्ट करिए तो ओदे लिए आ जाएगा 1। हुन तुसी ए चीज सोचनी है कि भी मैं इदा दे क्वेश्चन नु किद्दा सॉल्व करना हैगा, जी ओ ते शी 49 आ गया। अगर मैं हिंट दे देना नीचे दी स्टार्ट करना काउंटिंग नु, क्या वीडियो बैकवर्ड रैंकिंग है, ओके एक मिनट लगता कनेक्शन फिर तो अड़ रहे है। वीडियो बफर हो रही है ना, एक सेकेंड। एक सेकेंड तुम्हें उन्नी देर सोचिए, एदे लिए मैं तुम्हें हिंट देता है कि भी पिछों की काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। हो गया। चलिए अभी भी होगा थोड़ा,
ठीक है। अभी आवाज क्लियर हुई, बट वीडियो वीडियो के बीच दिक्कत आ रही है। ठीक, एक्सीलेंट लिखिए आ रहा है। चलो देखो एडिट क्या आएगा। कोडिंग अगर से पिछो दी अपना स्टार्ट करिए, कोडिंग अगर पिछो दी स्टार्ट करिए, तो जी दी वैल्यू आ गई 20, ओ दी वैल्यू आ गई 12, और दोनों का अगर सम भी देखा जाए, जी प्लस मतलब 20 प्लस 12 का सम देखा जाए, वो आ गया 32 आ गया। ठीक है जी। ऐसे अगर ऐसे ना सम भी देखा जाए ना, सीधा तय आ गया तो आपको 49। हुन सम दी वैल्यू बता, पूछी होने सम दी वैल्यू कितने बराबर आएगी, तो सम कितने बराबर आ जाएगा, एस दी वैल्यू जो जो गिवन है गया वो देख लो। एस दी वैल्यू आ गई 8, ओ दी वैल्यू आ गई 12, एम दी वैल्यू आ गई 14, और ई दी वैल्यू क्या आ गई, ई दी वैल्यू आ गई 5। इन वैल्यूज में जब आप ऐड करेंगे तब तुम्हारे को आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, तो तुम ये आंसर बताना, ऐसा आंसर कितना आ जाएगा, बी और ये आ गया तुम्हारे को 56, 56 का आ गया, 56 आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, इस तरीके नाल कुछ ऐसा के क्वेश्चन जो मैथमेटिकल लिखे आ ना, तो तुझे इन्हें नंबरिंग दे वाइज देखा करो कि भी काउंटिंग ए तो स्टार्ट करनी है, लास्ट तो स्टार्ट करनी है, वो तो सोचना है ऐसा के क्वेश्चन से लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे आप। इफ ओ इज इक्वल टू 16, एफ ओ आर इज इक्वल टू 42, देन व्हाट इज द फ्रंट इक्वल टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सोना क्वेश्चन है वाला। ठीक है, बहुत सोना क्वेश्चन है वाला। हूं सही है ना कनेक्शन? ठीक है, चलिए एनु स्टार्ट कर दिया। कहता इफ ओ इज इक्वल टू 16, एफ ओ आर इज इक्वल टू 42, फ्रंट पूछा है, फ्रंट की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो ओ दी वैल्यू 16 आ गई है। अगर देखा जाए एक चीज देखो, अगर मैं ऊपरों की काउंटिंग स्टार्ट करा, ए तो काउंटिंग स्टार्ट करा, ओ दी वैल्यू होती है मेरी 15। ठीक है, ओ दी वैल्यू होती है 15, लेकिन एज एच की आ रही है, ओ दी वैल्यू क्या दे रही है 16, यानी कि एक ज्यादा ही है, एक ज्यादा है। और फ्रंट फोर की गल करा, फोर के क्या आ रहा है, फोर के कि आ रहा है, एफ की वैल्यू अगर देखा जाए, एफ की वैल्यू होती है, एफ की वैल्यू जिदा ओद 15 प्लस 1 सी, फोर के देखो, फोर के अगर मैं इनू लिखा है 42। ठीक है, अगर ऐसे ऐसी पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा 15 प्लस 1, तो अगर मैं सारे की एक एक प्लस वन वाली सोचा, क्या मेरा बन सकता है कुछ, जिदा एफ की वैल्यू होती है उपरों की स्टार्ट करने 6, लेकिन मैं 6 की बजाय मैं 7 ले ला अगर, तो आ गया 7 प्लस ये आ गया 16 प्लस आर, आर का नंबर कितना होता है, क्या हूं सही है ना, हूं तो नहीं आ रही वीडियो। ठीक है, तो आर का नंबर कितना होता है 18, 18 होता है, अगर मैं एक प्लस वन वाला लवा 19 आ जाएगा। तो देखो 7 प्लस 16 प्लस 19, 7 प्लस 16 23 प्लस 19, हाँ 23 प्लस, एक मिनट, क्या एदे नाल बन सकता है, बिल्कुल हाँ एदे नाल बन गया ना, तो ये चीज तो बन गई। हूँ अगर जो मैंने फ्रंट को कोड करना है, फ्रंट कितना कोड होएगा, तो फ्रंट लिए भी क्या करेंगे, जिन्ना भी फ्रंट का कोड है आप एक एक बदलते रहेंगे, मतलब एन और टी दे नंबरिंग दे विच एक एक बदलते रहेंगे। अगर एक होर गल, एफ आर ओ उन्हां दा सम दिता है सानू 42, 42 है। हुण तुसीं सिर्फ एन और टी दे विच प्लस वन करना है और आंसर बताना है क्या आएगा। जिदा एफ ओ आर दी तां वैल्यू दा सम हैगा ही है ना 12, इहदी वैल्यू 12 आ गई है, सॉरी 42 आ गई है, 42 दे विच एन और टी वाले नूं बता दो, एन दी नंबरिंग प्लस टी वाले दी नंबरिंग बता दो प्लस वन करके। ठीक है जी, बताओ जी आंसर क्या आएगा, एन का नंबरिंग कोड क्या आएगा, एन का आ जाएगा 14 होता है ना, तो 14 प्लस 1
15 और टी दे लिए होंगे वी, वी दे विच एक ऐड कर देंगे तो 21 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 42 प्लस 15 प्लस 21, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? ठीक है कमेंट थोड़े आंसर आ जाए, चलो एदा मैं आंसर तुझे कमेंट से बता दियो क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दियो, इफ द वर्ड इफ द लेटर इन इफ द लेटर इन प्रब आर कोडेड एज दिस, तिलक एज दिस एंड देन भारती विल बी कोडेड एज, भारती कितना कोड होएगा? कोडिंग के विच देखो एदे विच क्या कर रहे हैं, प्रब है ना प्रब, तो प्रब नु कितना कोड किया, पी आर ए बी ए, प्रब नु कोड किया गया 27595 ऐसे अकॉर्डिंग। और अगर मैं गल करा तिलक दी, तिलक दी तिलक नु कोड किया गया 368451 इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, और भारती का कोड पूछा। चलिए सोचिए क्या कर सकते हैं आप, एदे च क्या आएगा जी, एदे च क्या आएगा बा? कोडिंग देखो बस जी आमने सामने लिखी हुई ना, जस्ट ओ होएगी कोडिंग, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं रही। ठीक है जी, तो जी आमने सामने लिखी हुई जिदा ए दे सामने एच भी पांच लिखा है, ए दे विच भी पांच लिखा है, तो एक चीज तो क्लियर होगी कि भी ए दा जिहड़ा कोड हैगा वो मेरा 5 हैगा। ठीक है, और बी बी दे सामने बी का है, बी इत्थे किते हैगा, बी इधर हैगा, बी दा कोड हैगा 9। ठीक है जी, तो देखना स्टार्ट करिए क्या आएगा आंसर। एच एच दे लिए कोड क्या हैगा, एच दे लिए कोड 6, एच दे लिए कोड हैगा 6 साडे कोल आ गए। अगर बी एच ए दा फाइंड करना सीगा, बी दी कोडिंग आ गई 9, एच दी कोडिंग आ गई 6, ए दी कोडिंग आ गई बराती है ना इतने ए ही कोड है। ठीक है, ए दी कोडिंग आ गई 5, आर आर दे लिए कोडिंग क्या आ गई है, आर दे लिए वरत रहे हैं 7, फिर आ गया 5, टी दे लिए 3, आई दे लिए, आई दे लिए कोई हैगी कोडिंग, एरी 8। तो आंसर क्या आ गया 965, ऑप्शन ए 9657538, बिल्कुल जी ए पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोडिंग इदा आ जाऊगी। नेक्स्ट ए वाला कोड कर दिया, इन अ सर्टेन कोड 35796 इज रिटन एज 4487, हाउ इज 468223 रिटन इन दैट कोड? चलिए देखते हैं, 35796 इनू कोड किया गया 44887 दे अकॉर्डिंग। उन्हें पूछा है हाउ इज 46823 रिटन इन दैट कोड, 46823 इन इज रिटन इन दैट कोड। तो चलिए आंसर दीजिए, एदली आंसर दीजिए क्या आएगा। आमने सामने वाले पहले तो कंडीशन चेक कर लो, क्या भी सामने वाले हो सकता है, अगर सामने वाली कोडिंग हो सकती है तो देखो जरा, कोई सामने वाली कोडिंग हो सकती है, 3 दे लिए कोड 4, 5 दे लिए कोड 4, बट नहीं ना हो सकता क्योंकि सानू इतने 4 दे लिए कोई कोड गिवन नहीं है, 4 दे लिए सानू कोई कोड नहीं गिवन है, तो यह पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये की लगा सकते हो, और कोई चीज ये आप इदा सोच सकते, देखो एक एक नंबर अगे पिछे हो रहे हैं, जिदा 3 के बीच अगर इधर करा प्लस 1 कर दा, इधर माइनस 1 कर दिए, इधर प्लस 1, इधर माइनस 1, इधर प्लस 1, इस तरीके नाल कोडिंग हुई है ना, तो फिर इधर भी वही तरीका लगाओ कोडिंग के लिए। हुण बताओ, हाँ प्लस 1 और माइनस 1, बिल्कुल जी बताओ इधर क्या होगा, 46823 इधर लिए कोडिंग कितना आएगी, फिर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 54914 कितने हैगा जी, 55914 यानी के डी पार्ट आऊगा, सी पार्ट क्यों आएगा जी, हाँ सी पार्ट नहीं आऊगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, If 453945 stand for decide, then decode 8978. Okay, decoding वाला आ गया, तो बताओ, कहना 453945, पहले तो आ चीज लिखी हुई है as a decide, for decide दे लिए, decide दे लिए है जी,
डिसाइड, ये वैसे सोखा है, DECIDE, देन 8978, 8978, क्या आएगा इच? हाँ जी, ऐसे क्या आनी चाहिए थी? सोचो जरा। अरे बिल्कुल सामने सामने दिखदा बैम, ए बिल्कुल सामने दिख रहा होगा तानू, सेम सेम ही है। मतलब अगर जे आप अल्फाबेट स्टार्ट करिए, ए तो बी तो सी तो, उन्होंने सामने सामने वाली काउंटिंग लिखी हुई है। जिदा डी का अल्फाबेट चार होंगे, एदा पांच होंगे, डी का चार होंगे, सी का तीन होंगे, तो 8978 क्या आ जाएगा? अठवा कोड केड़ा होगा? स्टार्टिंग तो अठवा कोड की आएगा, एच दे लिए, एच तो बाद नौवा, जी एक पीछे गए तो हाई आंसर हाई है क्या? सी पार्ट, सी पार्ट आंसर आ जाएगा जी इधर। हाँ जी हाई, समझ लग गया ना? ठीक है, कोडिंग है ना, इदा ही करनी है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन अ सर्टेन कोड 15789 इज रिटन एज EGKPT एंड 2436 इज रिटन एज ALUR, हाउ इज? जब भी तीन वाले आ जाना, पहले लिख लेने हैं सारे, 15789, 15789 इट इज रिटन एज EGKPT, उसके बाद 2436, 2436 इज रिटन एज ALUR, ओके 24539, 24539 किदा आएगा, किदा कोड आएगा? आमने सामने देख लो, आमने सामने किदा कोड केड़ा पे है, ऐसे आमने सामने वाला दिख जाएगा। ई दे सामने म्यूचुअल देखिया करो, सब तो पहले था म्यूचुअल कोई हैगा? म्यूचुअल अगर जो गल करा, म्यूचुअल था ऐसे कोई नंबर नहीं आ रहा है ना, ठीक है, तो बस आमने सामने देख लो केड़ा कोड आएगा। ऐसे लिए था आ गया, चार हैगा, हाँ चार भी अवेलेबल हैगा, चार भी अवेलेबल हैगा, तीन पांच हैगा, इतने पांच इतने अवेलेबल हैगा, तीन तीन भी अवेलेबल है क्या, और नौ, नौ भी अवेलेबल है। जब एकदम म्यूचुअल आ जाए ना, तो आमने सामने जरूर देखा करो, एक बारी जरूर सोचा करो कि भाई आमने सामने वाली कोडिंग लग सकती है या नहीं। हाँ जी क्या आ रहा है आंसर? अलगुट, अलगुट, अलगुट आ रहा है, चलो बनाने हैं। ए दे लिए, ए आ गया, फोर कितना आ गया, फोर है गया, एल दे लिए, पांच है गया तो को जी दे लिए, तीन है गया यू दे लिए, और नौ है गया टी दे लिए। हाँ जी ठीक है, अलगुट आंसर आ जाएगा जी, अलगुट है गया कितने, बी पार्ट, बी पार्ट आंसर, बी पार्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पेन इज अ टेबल, टेबल इज अ फैन, फैन इज अ चेयर एंड चेयर इज अ रूफ, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू सिट, बताओ तो आंसर क्या आएगा? हुण तुसी बैठना आ गए, अगर तो तुसी बैठना चाहते हो तो कितने बैठोगे? टेबल ते बैठोगे, फैन ते बैठोगे, चेयर ते बैठोगे, कितने बैठोगे? चेयर ते बैठोगे, ठीक है ना? तो ऐसा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे है, लास्ट लाइन पढ़िया करो बस, कितने बहना कितने है, चेयर तुसी बैठोगे चेयर ते, और चेयर इज कोडेड एज रूफ, दैट मीन्स आंसर क्या आ गया फिर? रूफ आंसर आ जाएगा, बिल्कुल जी रूफ। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वाला पढ़िए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पिक विक निक मीन्स विंटर इज अ कोल्ड, टू निक रे मीन्स समर इज अ हॉट, टू पिक बो मीन्स विंटर एंड समर, वट वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स समर? समर भी पूछा है कि समर के लिए केड़ा कोड वरतिया जाएगा। हुण एदे विच भी क्या करना है, कॉमन देखिया करो, कॉमन क्या आएगा, ठीक है, कॉमन, कॉमन इन द सेंस के भी देखो, अगर मैं फर्स्ट दो लाइंस पिक कर ला, फर्स्ट दो लाइन इज कॉमन एदे आ रहा है, और एदे कोई वर्ड आ रहा है कॉमन, नीस और नीस, एदा दा वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स इस दे लिए जरा कोड होया है, इस दा कोड आ गया NIC वाला, इस दे लिए कोडिंग आ गई मेरी NIC वाली। अगली लाइन पढ़ो, अगली लाइन च समर एदे भी आ रहा है, समर एदे भी आ रहा है, ठीक है, समर एदे भी आ रहा है, समर एदे भी आ रहा है, एंड दोनों लाइनों के कोई कॉमन आ रहा है? दोनों लाइनों के बीच वैसे सिर्फ देखा जाए रे और रे कॉमन आ रहे हैं, या और भी चीज कॉमन है? नहीं, रे और रे ही कॉमन है, तो आंसर क्या आ गया फिर? वैसे इधरों ही हो जाना सीगा, उन्हें पूछा सिर्फ लैंग, सानू सिर्फ समर का होया सीगा, सिर्फ समर का पूछा सीगा, अपा सिर्फ ए वाली लाइन और ए वाली लाइन ही फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, समर और समर, तो समर और समर, रे और रे, एदे कॉमन आ रहे हैं, दैट मीन्स आंसर साडा क्या होगा, एदे रे वाला आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, बाकी करने की जरूरत नहीं सी। अगर सपोज मैं कुछ और कह देता, जे विंटर के लिए कोड करना पैंता, जे विंटर के लिए कोड करना पैंता, विंटर के लिए क्या आ जाना सीगा, ए वाला विंटर इत्थे हैगा, ए वाला विंटर इत्थे हैगा, तो
फिर ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਿਕ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, PIC ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਫ ਇਨ ਅ ਸਰਟਨ ਕੋਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾ ਲੀ ਸੂ ਮੀਨਸ ਦਿਸ, ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਲੀ ਸੂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਆਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਦੇ ਆਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੋ ਡੋ ਜਾ ਟੂ, ਕਿਆ ਇਹ ਹੋ ਡੋ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਅਜੀਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਏਗੀ ਹੈ। ਯੂ ਸੀਮ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਯੂ ਸੀਮ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼, ਡੂ ਸੂ ਰੇ, ਡੂ ਸੂ ਰੇ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ, ਔਰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਹੈ, ਯੁਨ ਸੁਨ ਪੁਨ ਜਾ, ਇੱਕ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯੁਨ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਔਰ ਬਤਾਓ ਕਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੁਨ ਜਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਊ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੀ ਇਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਸਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਥਰਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਔਰ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਸਟ ਔਰ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਸੂ ਔਰ ਸੂ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਸੀ ਪਾਰਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸੂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਕੋਡਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੋਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਟੈਂਪਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਕੋਡਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਕੋਡਿੰਗ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਫ ਇਨ ਅ ਸਰਟਨ ਕੋਡ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਦਿਸ, ਚਲੋ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ 241612612 7 6, 241612। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰੋ 3, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰੋ 3, 241612376, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 3 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਂਸਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਚਿਲਡਰਨ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਐਜ਼, ਚਿਲਡਰਨ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ 248 248 59 59 670 670, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਓ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼, ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ, ਸੀ ਦੇ ਲਈ 2 ਕੋਡ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਦੇ ਲਈ 2 ਕੋਡ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡਿੰਗ 2 ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਕੋਡਿੰਗ ਚੱਲੇਗੀ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੋਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਬਤਾਈਏ ਕਿਆ ਆਏਗਾ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੋਡਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਚ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਲਈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਕੁਛ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਸੇਮ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਏ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਏ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਏ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਪੜੋ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਏ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਏ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਕਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, 5 ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਆ, ਏ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ 1 ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਡ, 2416, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਂਸਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਏ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਆ ਰਿਹਾ 1, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, 1 ਇੱਕ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ, ਤਾਂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਲ ਔਰ ਐਲ ਸੇਮ ਸੇਮ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਐਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡਿੰਗ ਕਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ 5 ਦੀ,
तो पांच और पांच 15 15 आ रहे हैं, ठीक है। तो 15 15 सिर्फ ए विच ही अवेलेबल है। ए का 1 कोड है और एल का 5 है ना। एच ए एल की जगह पे अपन लभ लेता, एक पांच आ गया, एक पांच इतने आ रहे हैं, दैट मीन्स थोड़ा अवला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे। इफ इन अ सर्टेन कोड 253 मीन्स बुक्स आर ओल्ड, ओके ए वाला क्वेश्चन पढ़ो जरा। 456 मीन मैन इज ओल्ड एंड 378 मीन्स बाय गुड बुक्स, बट शुड बट स्टैंड फॉर आर इन दैट कोड। करिए ये वाला करिए जरा। इफ इन अ सर्टेन कोड 253 मीन्स बुक्स आर ओल्ड, ये चीज कॉमन देखना, एदे विच कॉमन वाला कंसेप्ट लगाना, कॉमन वाला कंसेप्ट। पंज, अच्छा ऑप्शन बी पार्ट पता नहीं, देख दें। ऑप्शन बी पांच कह रहे हो, देख दे आंसर क्या आंदा है। उन्हें पूछा है कितने लिए पूछा, आर दा कोड की होएगा इधर विच, आर दा कोड। तो देखो कॉमन देखो सब, तो पहले कीड़ी चीज आ रही है बुक्स दे विच, अगर देखा जाए बुक्स दे विच देखिए कितने देखना होगा। देखो थोड़े देख दे यहाँ क्या आंदा आंसर। इन अ सर्टेन कोड 253 मीन्स बुक्स आर ओल्ड। बुक्स के लिए कोड पता चलिया, कॉमन देखो ना, देखो बुक्स इतने भी है और बुक्स इतने भी है, और इतने के नंबर सेम सेम आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं और तीन आ रहे हैं, दैट मीन्स बुक्स के लिए जो कोड आ गया वो मेरा तीन आ गया, बुक्स के लिए मेरा कोड तीन आ गया, ठीक है। हुण ओल्ड के लिए पढ़ो क्या आएगा, ओल्ड के विच ओल्ड तुहाडा इत्थे भी हैगा और इत्थे भी हैगा, ठीक है, और नंबर सेम इत्थे भी आ रहा है एक इत्थे भी आ रहा है, दैट मीन्स फाइव जिहड़ा हैगा फाइव नंबर मेरा ओल्ड ओल्ड दे लिए हैगा, ठीक है। और उन्हें पूछा कि देखो बुक्स दा कोड पता चल गया, ओल्ड दा कोड पता चल गया, हुण किहदा कोड रह गया, पूछा कि आर दा पूछा आएगा, तो आर दे लिए क्या आएगा जी कोड, टू आएगा फिर आंसर, आर दा कोड टू आ गया, पांच नहीं हैगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी पार्ट आंसर आएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्टेन कोड ट्विंकल इज रिटन एज दिस, ए वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, ए वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल। ट्विंकल इज कोडेड एज एस वी एच ओ जे के डी, ठीक है। देन हाउ वुड फिल्टर्स भी रिटन इन दैट कोड, ठीक है। तो प्लस वन माइनस वन वाला कंसेप्ट देख लेना क्या आएगा, कि भाई नंबरिंग किदा हो रही है, टी तो बाद एस ते जा रहे हैं अपन, टी तो बाद एस ते गए, डब्ल्यू तो बाद वी ते गए, आई तो बाद एच ते गए, एन तो बाद ओ ते जा रहे, के तो बाद जे ते, एल तो बाद के ते, ई तो बाद डी ते, ठीक है। तो प्लस वन माइनस वन ए वाला सोच लियो कंसेप्ट केड़ा लगना होगा, फिर आंसर बताना क्या होगा, ध्यान नाल सोच के बताना आंसर क्या होगा, ध्यान नाल सोच के। टी तो एस मूवमेंट कितनी हो रही है, एक नंबर पीछे गए, डब्ल्यू तो बी एक नंबर पीछे गए, आई तो एच एक नंबर पीछे गए, ठीक है, एन तो ओ एक नंबर आगे गए, के तो जे माइनस वन होया, एल तो के माइनस वन होया, ई तो डी माइनस वन होया, है आ रही है कोडिंग। तो एस दे अकॉर्डिंग फिल्टर दी कोडिंग कितना करोगे, तो फिल्टर के लिए आ जाएगा माइनस वन माइनस वन माइनस वन, देखो पहले तीन माइनस वन जा रहे हैं, अकेले तीन माइनस वन जा रहे हैं, लेकिन विच वाला जो नंबर है वो प्लस वन जा रहे हैं, दैट मीन इतने प्लस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन यह आएगा, ठीक है। हुण बताओ फिल्टर के विच एफ पीछे जाना है, अरे फिल्टर के विच एक पीछे जाइए ना, तो क्या आएगा,
अगर एक पिछे गए अपा, ए आ गया ई, आई दे विच गए एच, एल तो पिछे गए के, टी तो एक अगे गए ई एच के एस, हाँ डी पार्ट है ना, ई तो बाद अगे गए, ई तो बाद एक पीछे गए डी, आर तो बाद एक अगे गए, आर तो बाद एक पीछे गए क्यू, और एस तो बाद एक पीछे गए आर, ये आएगा ई एच के एस डी क्यू आर। कोई ऑप्शन आएगा? नहीं आएगा, दैट मीन्स नन ऑफ दीज। अरे यार ये प्लस वन जाना है ना, प्लस वन जाना है, हाँ प्लस वन जाना है, तो यू वाला, ये वाला आएगा ठीक है, डी पार्ट नहीं आएगा, डी पार्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू इज इक्वल टू फाइव, फोर इज इक्वल टू 18, सिक्स इज इक्वल टू 39, देन 10 इज इक्वल टू, इफ टू इज इक्वल टू फाइव, फोर इज इक्वल टू 18 एंड सिक्स इज इक्वल टू 39, देन 10 इज इक्वल टू। मेरे ख्याल स्क्वायरिंग वाइज देखो, दो का स्क्वायर करिए और एक ऐड कर दिए, पांच आ रहे हैं, दैट मीन्स अगर मैं लिखना चाहवा 2 स्क्वायर प्लस 1 लिखांगा, 4 दे लिए, 4 दे लिए हो या 4 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 हो रहे हैं, 4 स्क्वायर प्लस 2 6 आ गया, 6 दे लिए की होया 6 द स्क्वायर प्लस 6 द स्क्वायर प्लस 3 आ रहा है, उन्हें 10 दी वैल्यू पूछी हुई है, 10 दे लिए क्या आएगा, तो 10 दे लिए क्या आना चाहिए था, 10 द स्क्वायर प्लस समथिंग, और समथिंग क्या आएगा बताइए, ये आंसर क्या आना चाहिए था, सारी बता सारा बता देता सॉल्व करके क्या आएगा, कितना नंबर ऐड करिए, चार करिए या पांच करिए, ऑप्शन है दोनों हो गए ऑप्शन, तो एक का आंसर आएगा, चार नहीं आएगा जी, ऐसी करके क्वेश्चन में पाया चार नहीं आएगा, देखो हर एक नंबर के लिए एक एक बद रहे हैं, जिते अठ होंगे ना तो अठ स्क्वायर प्लस चार आना सीगा, तो इतने एडिशन जी होगी पांच के लिए आएगी, ये दैट मीनस 105 आंसर आएगा ठीक है, 105 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, If sand is called air, air is called a plateau, plateau is called a well, well is called island, island is called a sky, then from where will a woman draw water? उन woman ने पानी निकालना है, पानी किधरों निकलेगा देखो, हवा जो था निकलूगा नहीं, मिट्टी जो भी नहीं निकलूगा, पानी किधरों निकलेगा, well जो, और well is called island, तो answer क्या आ गया इस question का, C part, ये बहुत सम सोखे गए हैं, ठीक है ना, तो ए वाले question तो बिल्कुल ही ना सट गया ना पेपर च। Next question, In a certain code, 134 means gold, good and tasty. 478 means see good picture. And 729 means picture are faint. Which of the following digits stand for C? फिर तो वही चीज। Common देख लो, common केड़ी चीज आ रही है। Common केड़ी चीज आ रही है, देख लो ये आंसर। 134 means good and tasty. ठीक है। 478 means see good pictures. उन common के ने पूछा है। अगर मैं first दो lines देखा। गुड है भी है, गुड है भी है, और नंबर जरा सेम है, वो आ रहे चार, वो आ रहे चार, दैट मीन्स गुड के लिए जरा मेरा कोड है वो आ गया चार का, सी के लिए पूछा है, सी के लिए पूछा है, सी के लिए पूछा है, मतलब मैं एक एलिमिनेट करना पड़ेगा, सी पिक्चर्स ए भी आ रहे, पिक्चर्स ए भी आ रहे, तो पिक्चर के लिए कोड क्या आएगा, सैवन ए भी है, सैवन ए भी है, दैट मीन्स पिक्चर के लिए कोड आ गया सैवन, गुड के लिए कोड आ गया 4, तो रह की गया सी, सी का कोड क्या आएगा 8, तो 8 है गया ऑप्शन, बिल्कुल डी पार्ट ठीक है, इस तरीके ना अलग अलग क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है बढ़िए, नेक्स्ट करिए, चलिए, इन अ सर्टेन कोड ट्यूटोरियल इज रिटन एज दिस एंड डांस इज रिटन एज दिस, हाउ कैन एजुकेशन बी रिटन इन दैट कोड, लिख लिया करो, ट्यूटोरियल इज रिटन एज डी ओ डी एन जी एल सी एफ, जी एल सी एफ एदा, डांस इज रिटन एज, डांस इज रिटन एज वाई सी जे एम जे, एजुकेशन बी रिटन इन दैट कोड, एजुकेशन, हाँ जी आमने सामने देख लिया करो, आमने सामने अगर तो सेम सेम आ जाए ना, दो दे कोडिंग सेम सेम आ जाए, जिदा टी दे सामने इतने टी लिखा है, इतने भी टी दे सामने टी लिखा है, दैट मीन्स
ਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਨਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਆਏਗਾ। ਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੇ, ਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਆਏਗਾ, ਜ਼ੈਡ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹਾਂ ਜ਼ੈਡ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਜ਼ੈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਡ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕੋਡ ਜ਼ੈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਜ਼ੈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਡ। ਹੁਣ ਬਤਾਓ ਆਂਸਰ ਕਿਆ ਆਏਗਾ। ਈ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ੈਡ ਵਾਲਾ, ਡੀ ਡੀ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਵਾਈ, ਤੋ ਵਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੇ ਚੀਜ਼ ਯੂ, ਯੂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਯੂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਓ ਕੋਡ। ਸੀ, ਸੀ ਕਾ ਹੈ, ਸੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਸੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਐਮ। ਏ, ਏ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜ਼ੈਡ ਵਾਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ਕਿਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੈਡ ਵਾਈ ਓ ਐਮ ਸੀ, ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ੈਡ ਵਾਈ ਓ ਐਮ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਂਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਹੀ ਅਗਰ ਨਿਕਾਲ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਹੀ ਨਿਕਾਲਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਅਗਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੀ, ਹਾਂ ਡੀ ਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਲ, ਐਲ। ਓ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਐਨ, ਐਨ। ਔਰ ਐਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਜੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੋਲਵ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਇਨ ਅ ਸਰਟਨ ਕੋਡ, ਇਨ ਅ ਸਰਟਨ ਕੋਡ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਜ਼ ਕੋਡਡ ਐਜ਼। ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਜ਼ ਕੋਡਡ ਐਜ਼ ਈ ਐਨ ਓ ਐਚ ਪੀ ਈ ਐਲ ਈ ਟੀ। ਐਲੀਗੇਟਰ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਐਜ਼, ਐਲੀਗੇਟਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਤੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਵਾਂ, ਚਲੋ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਉਲਟੀ ਲਿਖੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਈ ਐਨ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ, ਫਿਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਉਲਟੀ ਲਿਖੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਐਲੀਗੇਟਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਰ, ਫਿਰ ਓ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਟੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਏ, ਫਿਰ ਜੀ, ਆਈ, ਐਲ, ਏ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿਆ ਆ ਗਿਆ? ਰੋਟਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਟਾ ਗਿੱਲਾ, ਰੋਟਾ ਗਿੱਲਾ, ਰੋਟਾ ਗਿੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡੀ ਪਾਰਟ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਉਲਟੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ, ਇਫ ਇਨ ਇਫ ਐਕਨੇ ਏ ਕੈਨ ਬੀ ਕੋਡਿਡ ਐਜ਼ 3 7 29 11, ਦੈਨ ਬੋਇਲ ਵਿਲ ਬੀ ਕੋਡਿਡ ਐਜ਼। ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ। ਏ ਸੀ ਐਨ ਈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ 3 7 29 11, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਇਲ ਵਿਲ ਬੀ ਕੋਡਿਡ ਐਜ਼। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ 3, ਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ 7, ਹਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ 2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ 2n+1, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੋ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ 1 ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ, ਸਪੋਜ਼ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਨੀ ਹੈ, a ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੀ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ a ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ 3 ਆ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ। c ਦਾ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ 3, ਔਰ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਾਂ, 2 × 3+1, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ 7 ਹੀ ਆਇਆ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ n ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 14, 14 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 × 14+1, ਕੋਡ ਆ ਗਿਆ 29, ਔਰ e ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5, ਤਾਂ 2 × 5+1, 11। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 2n+1 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਬੋਇਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਤਾਓ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। b ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ 5 ਦਾ, ਓ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ 15 ਨੰਬਰ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ 15 ਨੰਬਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 × 2 × 15, 30, 30+1, 31, ਆਈ, ਆਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿਆ ਆਏਗਾ, ਆਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿਆ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਆਈ ਹੁੰਦਾ 9, ਤੋ ਆਈ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ 2 × 9, 18, 18+1, 19, ਔਰ ਐਲ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, 19, 27 ਆਏਗਾ ਜਾਂ 25 ਵਾਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਇਹ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਨਾ 25, ਆਂਸਰ 25 ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਐਲ ਦੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਹੁੰਦਾ ਨਾ,
2, 31, 19, 25 आंसर। डी पार्ट थोड़ा आएगा जी, 1 मिनट, कत्ती वाला होगा, ए वाला आएगा, बी पार्ट आएगा, बी पार्ट ठीक है। अब अरे एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, इफ जेब्रा कैन बी कोडेड एज दिस, हाउ कैन कोबरा बी कोडेड एज, ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस का। जेब्रा इज रिटन एज, जेब्रा इज कोडेड एज 26, 5, 2, 1, 8, 1, हाउ कैन कोबरा बी रिटन एज। चलो एदा क्या आना चाहिए था? अच्छा पिछले का आंसर सीगा, ठीक है। जेब्रा इज रिटन एज 26, 5, 2, 1, 8, 1। देखते दे, एक अगर ये एक ही अल्फाबेट चेक किए ना, जेड की वैल्यू दिती हुई है 26। देखो जेड की वैल्यू 26 आ रही है, ए की वैल्यू पहली आ रही है, यदा मतलब है कि भी काउंटिंग जी है जस्ट नॉर्मली ही लिखी हुई है। बी की वैल्यू 2 होंगी है, ई की वैल्यू सानू पता है 5 होंगी है, आर की वैल्यू 18 की है, दैट मीन्स हमने उन्होंने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है जी। तो सी दी क्या आएगी, सी दी कोडिंग आ जाएगी 3 दी, तो 3 वाला है ऑप्शन, 2 हो गई ऑप्शन। ओ दे लिए क्या आएगी, 45 आएगा या 15 आएगा, ओ दे लिए तो 15 ही आएगा ठीक है, और बी बी दे लिए 2 आ जाएगा, आर आर दे लिए 18 आ जाएगा, और ए आ जाएगा, दैट मीन्स डी पार्ट आंसर। बिल्कुल जी ठीक है, तो आंसर आ गया 3, 1, 5, 2, 1, 8, 1 ठीक है। तो यह रहे थोड़े कोडिंग एंड डी कोडिंग के, काफ़ी आपको अज क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है कोडिंग एंड डी कोडिंग की ठीक है। तो आप करते हैं क्लास में खत्म, अगर तुम इसका पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप के उत्ते, सू फॉलो कर सकते हो, वे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पिया हुआ है ठीक है। हाँ जी कोडिंग ईजी होंगी है जी, कोडिंग ईजी ही होंगी है, ता ही एक क्लास आपको कोडिंग की लगा देती है, नेक्स्ट क्लास आप एक और किसी सब्जेक्ट के उत्ते लगावे, एक और कोई क्वांट का या रीजनिंग का टॉपिक उठावे तो उन्होंने सॉल्व करा। तो तुम अगर क्वांट की वीडियोज देखना चाहते हो हिंदी वाले चैनल के उत्ते पई हुई हैं, वे बहुत वैल एक्सप्लेनेशन मैं की है, टाइम एंड वर्क दे मतलब टाइम एंड वर्क है, आप होर भी बथेरे सम्स किए हुए वे बहुत बोट एंड स्ट्रीम किया, अज ही एवरेज किया है ठीक है। तो वो वीडियोज़ में एक बार देखना जरूर, तो फायदा रहेगा ठीक है जी। चलिए।